यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सोनीपत के अलावा महेंद्रगढ़ से भी हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। और हत्या के बाद आरोपी शराब के नशे में अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ शव के पास बैठा रहा, और वहीं जब वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा तो लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, और सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एएसआई राजेश ने बताया कि आरोपी राधेश्याम किशनगढ़ गांव का रहने वाला है, जो कुछ दिनों से यहां अपनी पत्नी किरण और बेटी के साथ कबाड़ का काम करता था, और वहीं अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी किरण की उसने हत्या कर दी। तो वहीं कहा जा रहा है कि जांच जो है वो शुरू हो गई है और कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर नशे में धुत होकर इस आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद अपनी बेटी के साथ वहीं मौके पर मौजूद रहा।